हेलो वेलकम टू द सुगम बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस का क्वेश्चन इज देखिए नीट 2020 का क्वेश्चन है ये नीट 2020 में आया आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जीन आई दैट कंट्रोल्स एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ठीक है जी तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लें जीन आई इज लोकेटेड ओवर द क्रोमोजोम नंबर 9 एंड दिस जीन आई इन ह्यूमन पॉपुलेशन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील इट कैरीज मल्टीपल एलील दिस जीन एग्जिस्ट इन मोर देन टू फॉर्म बेसिकली ज़्यादातर केस में है क्या वन जीन एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेज वन जीन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स बट दिस जीन आई इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म आई ए आई बी एंड आई अब बहुत जगह इसको आई से भी रिप्रेजेंट किया तो तीन एलील हैं इसके आई ए आई बी और आई इसका काम क्या है ये जीन सिचुएटेड ओवर द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी और ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इसकी वजह से शुगर एक बनती है तो आई ए की वजह से ए टाइप की शुगर बनेगी जिसको हम लोग शुगर पॉलीमर कह लीजिए एंटीजन भी बोलते हैं एंटीजन का काम करती है आई बी की वजह से बी टाइप की बनेगी और आई या आई बहुत जगह बहुत बुक्स में आई से रिप्रेजेंट किया गया बहुत बुक में लोअर केस आई से इसकी वजह से कोई भी शुगर नहीं बनती तो बहुत जगह इसको आई ओ भी लिखा रहता है तो ओ यहाँ पे ओ नहीं है कि ओ टाइप की शुगर बनेगी ओ यहाँ पे ज़ीरो है बेसिकली कि कोई भी शुगर नहीं बन रही तो ए की वजह से ए टाइप की आई बी की वजह से बी टाइप की और आई ये केवल या ये आई एक ही बात है इसकी वजह से कोई भी शुगर नहीं बन रही ठीक है जी शुगर बन कहाँ रही है आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अब आप जानते हैं कोई भी जीन है उसके जो दो फॉर्म है मान लीजिए इसका तीन फॉर्म नहीं केवल दो फॉर्म है आई ए और आई बी सपोज एक मिनट मान के चलिए वैसे तो तीन फॉर्म है आपको पता है तीन रूप में लेकिन अगर ये दो फॉर्म होते तो किसी भी इंडिविजुअल में जो जीनोटाइप पॉसिबल था वो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल था कि आई ए आई ए हो या आई ए आई बी हो या आई बी हो तो होमोजाइगस होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस और आप डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि हिट्रोजाइगस कंडीशन में इस कंडीशन में जो एलील अपने को रिप्रेजेंट कर देगा अपने को दिखा देगा अपनी जानकारी शो कर देगा वो डोमिनेंट होगा तो होना क्या चाहिए था हमारे मेंडल साहब के अनुसार इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील वन एलील डोमिनेट्स द अदर एंड एलील दैट डोमिनेट्स द अदर नोन एज डोमिनेंट एलील वन एलील मैनेज टू एक्सप्रेस इटसेल्फ दैट एलील विच मैनेज टू एक्सप्रेस इटसेल्फ दैट एलील इज डोमिनेंट एक एलील अपनी जानकारी को शो कर देगा एक एलील नहीं शो कर पाएगा तो या तो ये शो कर देता ए टाइप की शुगर बन जाती तो हम कहते हैं कि ये डोमिनेंट है ए इज डोमिनेंट ओवर बी या ये शो कर देता बी टाइप की शुगर बन जाती ए टाइप की ना बन पाती तो हम कहते हैं बी इज डोमिनेंट ओवर ए तो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार जब भी डिसिमिलर पेयर होता तो वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स अदर एक दूसरे को दबा लेगा तो माता पिता में आप जानते हैं एक ही जबर होता है हर घर में या तो पिताजी की सत्ता चलती है माता की दोनों की नहीं चलती एक की चलती है तो मेरे घर में भी मेरी नहीं चलती मेरे बेटर हाफ की चलती है खैर वो अलग बेटर है उससे आप लोग परेशान ना हो वो मेरा दुखड़ा आप लोग ना परेशान हो सेंटी ना होइएगा कोई बात नहीं हर किसी के घर में आप लोग की भी कल को हो जाएगी तो ऐसा ही आपको भी झेलना पड़ेगा खैर लौट के आते हैं मुद्दे पे एक की चलती है एक की नहीं चलती तो दिक्कत तो वहाँ पर है ना जब दोनों घर में है तो एक ने दूसरे को दबा लिया या इसने इसको दबा लिया लेकिन अगर मानो थानेदार घर नहीं हमें किसी का डर नहीं घर में हम ही हो मतलब होमोजाइगस कंडीशन हो तो भले होमोजाइगस कंडीशन हो जब उसको दबाने वाला एलील नहीं है तो होमोजाइगस कंडीशन में ये एलील रिसेसिव होते हुए भी अपनी जानकारी दिखा देगा ठीक है ये होता है ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस एक एलील डोमिनेंट होगा एक एलील दिखा देगा एक एलील नहीं दिखा पाएगा लेकिन को डोमिनेंस उस केस में कहलाता है वो केस को डोमिनेंस कहलाता है जहाँ पे दोनों ही पहलवान हार नहीं मान रहे ये इसको पटकना चाहता है आई ए वो चाहता है कि मेरी चले आई बी चाहता है मेरी चले तो दोनों अपने को दिखा देंगे दोनों तरह की शुगर बन जाएगी ए भी बन जाएगी बी भी बन जाएगी तो इस तरह का इंडिविजुअल जिसमें जेनेटिक मेकअप ये है आई ए और आई बी उसकी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ए एंटीजन भी बन जाएगा बी एंटीजन भी ए शुगर भी बन जाएगी बी भी तो जहाँ पे ऐसे केसेस जिसमें दोनों एलील अपनी
को जाहिर कर दें, अपने पास जो जानकारी है उसको शो कर दें, तो ये कोडोमिनेंस का केस कहलाता है। तो ये हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, वो इसका आधार ये है कि शुगर ये आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे किस तरह का एंटीजन प्रेजेंट है। अगर ए टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है तो ये ए ब्लड ग्रुप का हो गया, अगर बी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप हो गया, अगर ए बी दोनों ही प्रेजेंट हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, और अगर कोई भी नहीं शुगर है तो ओ ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है जी। अब हमने कहा अभी तक ये मान के सॉल्व कर रहे थे कि दो एलील है लेकिन तीन एलील है, तो पॉसिबल जो जीनोटाइप है किसी ह्यूमन बीइंग में वो ये पॉसिबल है आई ए के साथ आई ए, आई ए के साथ आई बी, आई ए के साथ आई, आई बी के साथ आई बी, आई बी के साथ आई, और दोनों जगह आई। छह तरह के जीनोटाइप पॉसिबल है, क्योंकि तीन एलील हैं तो तीन एलील में से दो ही किसी बंदे में हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म भले मेल हो भले फीमेल हो उसमें नौ नंबर का क्रोमोसोम, ये जीन कहाँ पे है, हवा में थोड़ी बेटा, क्रोमोसोम नंबर नौ पे है, पर्टिकुलर लोकस पे। तो जब हम लोग के पास टू सीटर गाड़ी है, एक स्कूटर है जिसकी दो गद्दी है, एक आगे एक पीछे, तो भैया तीसरा आदमी हवा में नहीं रहेगा, दो ही जगह दो ही क्रोमोसोम है नौ, और क्रोमोसोम का पार्ट है जीन, क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है, तो एक जीन यहाँ सिचुएटेड है आई, एक जीन यहाँ सिचुएटेड आई, ये जो आई जीन सिचुएटेड है यहाँ वो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इनके माता पिता का क्या था जेनेटिक मेकअप, भाई माता पिता से ही आने, माता पिता के पास क्या था, लेकिन कुछ भी हो इसके पास इन तीनों कॉपी में से आई ए, आई बी या आई का कोई भी एक कॉपी यहाँ होगी और एक कॉपी यहाँ होगी, तो दोनों ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इन छहों में से कोई भी कॉम्बिनेशन होगा। अब बात समझ में आ गई आपके, तो ये एक तो ये जीन आई जो है मल्टीपल एलील का केस है, दूसरा इस वाले में आई ए और आई बी जब साथ साथ आ जाएंगे तो कोडोमिनेंस दिखाएंगे, दोनों ही अपने को रिप्रेजेंट कर देंगे। हाँ, आई ए इज़ डोमिनेंट ओवर आई एंड आई बी इज़ आल्सो डोमिनेंट ओवर आई, बट आई ए एंड आई बी इन दैट केस बोथ मैनेज टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, सो व्हेन आई ए एंड आई बी बोथ आर प्रेजेंट इन अ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल कैरिंग द आई ए एंड आई बी एलील, उसके शुगर पर, उसकी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सरफेस पे दोनों तरह की शुगर आई ए और आई बी बन जाएगी, क्योंकि ये कोडोमिनेंस का केस है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी जानने के बाद आइए अब हम लोग क्रैक करें क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, पर्सन विल हैव ओनली टू ऑफ थ्री एलील, तो थ्री एलील होंगे वो ह्यूमन पॉपुलेशन में होंगे, लेकिन किसी पर्सन में दो ही हो सकते हैं क्योंकि उसके पास केवल दो कॉपी है क्रोमोसोम नंबर 9 की। व्हेन आई ए एंड आई बी प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, नहीं, जब आई ए और आई बी दोनों इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं तो दोनों अलग अलग टाइप की शुगर बनाते हैं, आई ए की वजह से ए टाइप का एंटीजन या ए टाइप की शुगर और आई बी की वजह से बी टाइप का, तो गलत स्टेटमेंट ही पूछा था हमसे कि गलत स्टेटमेंट क्या है, यही है गलत स्टेटमेंट, तो इसी आंसर को चुन लीजिए। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये देखिए ये एलील यहाँ रिप्रेजेंट किया है स्मॉल आई से, लोअर केस आई से कोई शुगर नहीं बनाता। हाँ जी, आई ओ अगर लिख देंगे तो ओ टाइप की शुगर नहीं, वो बेसिकली ए बी ओ में बेसिकली वो ओ का मतलब जीरो है कि कोई भी शुगर नहीं बना रहा। द जीन आई हैज थ्री एलील, हाँ जी थ्री एलील है आई ए, आई बी और आई, ये तीन एलील है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक, ये स्टेटमेंट भी ठीक, ये स्टेटमेंट भी ठीक, गड़बड़ कौन सा स्टेटमेंट, ये वाला, तो इसी को आपने चुनना है क्योंकि हमको गलत वाले स्टेटमेंट को चुनने को बोला गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिला होगा, नीट 2020 का क्वेश्चन है बेटा। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट, थैंक यू।